नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर। बात होगी बुलढाणा की, यहां तूफानी बारिश के कारण मलकापुर शहर और उसके आसपास का इलाका डूब गया। और अंत में चर्चा करेंगे समस्तीपुर की, यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का किया गया निरीक्षण। तमाम खबरों पर फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। बरेली जनपद में इस भीषण गर्मी को देखते हुए भी विद्युत विभाग हो या पालिका प्रशासन सोता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जहाँ पूरे देश में इस समय भीषण गर्मी से कोई भी अछूता नहीं है, और वहीं बरेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरीदपुर में जल एवं विद्युत व्यवस्था में शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। पालिका प्रशासन हो या विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है, जिसका जीता जागता सबूत फरीदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद सरकारी नल व चिकित्सा उपकरण है। आपको बता दें कि एक तरफ सरकारी नल खराब पड़े हैं, तो दूसरी तरफ विद्युत वोल्टेज कम ज़्यादा होने के कारण चिकित्सा उपकरण एवं कोल्ड चैन कोल्ड फ्रीजर खराब हो रहे हैं। राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम हेतु वैक्सीन एवं जीवन रक्षक औषधि तथा ARV वैक्सीन पर्याप्त वोल्टेज ना होने के कारण खराब हो सकती है, जिसको लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं चिकित्सा कार्य भी बाधित हो रहे हैं, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधीक्षक ने उपमंडल अधिकारी विद्युत वितरण खंड फरीदपुर एवं पालिका प्रशासन फरीदपुर को विद्युत एवं जल व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू रूप से संचालित करने का शिकायती पत्र दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में चिकित्सा अधीक्षक फरीदपुर अनुराग गौतम ने आगे और क्या कुछ बताया। इस टाइम हमारा देश भीषण गर्मी से गुजर रहा है और इससे फरीदपुर भी अछूता नहीं है। जनमानस द्वारा कुछ हमें शिकायतें मिली थी कि हमारे केंद्र पर पानी की कुछ समस्याएं, पीने के पानी की समस्याएं हो रही हैं। वो उनको सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सरकारी नलों को दिखवाया, जिससे पता चला कि कुछ नल में कुछ दिक्कतें थीं, जिसकी सूचना मैंने नगर पालिका को अधिकारी जी को दे दी गई है। उन्होंने जल्दी सही कराने के लिए बोला है, और पानी की समस्या हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार सुधारी जा रही है और सुधारी भी जाएगी। अगर कोई इस तरीके की समस्या मिलती है, नलों में लगातार पानी आ रहा है, अगर इस तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको दूर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? हमारा? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? हम तो मेवा। अच्छा, के पास। यहाँ पे पानी की किसी तरह की कोई समस्या है क्या? पानी आपको मिल रहा है? या हम तो नल से ही ले जाते हैं। नल पे। नल कहाँ पे है दिखाइए जरा। बरेली से सीनियर संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा से है, जहां बता दें कि जिले में हुई तूफानी बारिश के कारण मलकापुर शहर और उसके आसपास का इलाका सचमुच बह गया है। हम देख सकते हैं कि 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के कारण मलकापुर सिटी पुलिस स्टेशन को किस तरह नुकसान हुआ है। इस तूफान के कारण मलकापुर सिटी पुलिस स्टेशन की छत सचमुच उड़ गई है, और पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस स्टेशन में जान जोखिम में डालकर काम करने का समय आ गया है। महाराष्ट्र बुलढाणा से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर यूपी के हमीरपुर से, जहां बता दें कि तालाब किनारे पड़ा मिला बुजुर्ग महिला का शव। बता दें कि धारदार हथियार से जताई जा रही है बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या की आशंका। वहीं बीते दिनों परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बता दें सूचना पर थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, कई पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है थाना पुलिस। पूरा मामला सुमेरपुर थाना इलाके के बिदोखरपुरई गाँव का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। कैमूर के मतदाताओं को जागरूक करने पहुंचे बिहार स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर, सुरों से बांधी सभा। बता दें कि ओकिला स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर कैमूर पहुंची, जहां जिले वासियों को मतदाता जागरूकता को लेकर जागरूक किया। बिहार चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना आइकॉन बनाया है, जिसको लेकर मैथिली ठाकुर कैमूर पहुंची। भभुआ के लिच्छवी भवन में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार, उप विकास आयुक्त मैथिली ठाकुर कैमूर कोकिला अनुराधा कृष्ण रस्तोगी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जहां जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
मैथिली ठाकुर ने सभी युवाओं से अपील की है कि आप बढ़ चढ़कर मतदाता जागरूकता अभियान में भाग लें और वोट करें। साथ ही जिलेवासियों से अपील की है कि 1 जून को होने वाले मतदान में भाग लेकर अपना वोट जरूर करें। सुश्री मैथिली जी के द्वारा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया और उद्देश्य था मतदाता जागरूकता का, राज्य के अलग अलग जिलों में इनके द्वारा किया गया है निश्चित रूप से, और इनके कार्यक्रम का आज हमारे मतदाता बंधु पर विशेष प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी बड़े पैमाने पर वो 1 जून को मतदान का अपने प्रयोग करेंगे और पूरे राज्य में जो सभी जगह है उससे ज़्यादा यहाँ पर हम लोग का वोटिंग होगा। सर, ऐसा देखा गया है कि युवाओं की इसके प्रति जो लगाव है मतदान के प्रति बहुत कम देखी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे उन युवाओं को? नहीं, इस मेरा जो युवाओं से विशेष आग्रह है, आप देखेंगे कि जो हम लोग को व्यवस्था किया गया और लोगों युवाओं से अपील है, जो 18+ वोटर और न्यू मिलेनियम वोटर हैं, आप विशेष आप जो है आप स्वयं वोटिंग करने के लिए आप वहाँ पर युवा को जाइए और हम लोग अपील है कि जो युवा पहले वोटिंग करेगा और वो अपने साइन को हमारे जो NIC का वेबसाइट उसे अपलोड करेंगे, हम लोग वहाँ आकर्षक प्राइज भी रखे हैं 5,000, 3,000, 2,000 का, तो उनके ताकि इनसे एक प्रभाव पड़ेगा और वो जागरूक भी होंगे। कितने लोगों को पुरस्कार किए हैं? टोटल 3 आदमी को करेंगे हम लोग। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगी कि 1 जून को जाएं, सभी लोग सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और इस बात को सार्थक करें, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है, कैमूर में यहाँ जिला प्रशासन जितनी मेहनत करे, हमारे DM सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में है, लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है कि 1 जून को 100% मतदान हो और पिछली बार से कई ज़्यादा लोग इस बार भारी संख्या में आए मतदान करें। ऐसा क्या लगा है लोगों में बहुत उत्साह उमंग देखने को मिला। मैं पहले कम से कम 30 जिलों में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर चुके, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात थी, लोग बहुत ही इच्छुक उमंग में थे और ये श्रेय जाता है कहीं ना कहीं DM सर को, जो खुद इतने एनर्जी में रहते हैं और लोगों के बीच में तब से बैठे हुए थे, वरना इनको होता तो फिर चले जाते बीच में उठ के, लेकिन अंत तक बने हुए थे हमारे बीच में, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे 100% मतदान होगा। बिहार का स्टेट आइकन आपको बनाया गया, क्या करना चाहेंगे इस पर आप? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसी बहाने मुझे विभिन्न जिलाओं में जा कर के वहाँ के लोगों से रूबरू सामने सामने मिलने का मौका मिलता है और उनके सामने अपनी बात कहने की एक अथॉरिटी है जो मुझे निर्वाचन आयोग ने दी है, इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मतदान होता है तो उसके बाद आपका क्या? जिस जिला में सबसे अधिक मतदान होगा वहाँ मुझे दोबारा आने का अवसर होगा और निर्वाचन आयोग का आदेश है कि मैं वहाँ वापस आऊँ, जिस जिले में सबसे ज़्यादा मतदान है वहाँ पे लोगों को अच्छे से अपने गीतों को सुनाऊँ। कैमूर से CNews संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जो आकांक्षी प्रखंड हसनपुर अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर काली का निरीक्षण पिरामल स्वास्थ्य से प्रोग्राम लीडर अंजय कुमार एवं हसनपुर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधन चंदन कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उक्त निरीक्षण में हेल्थ वेलनेस सेंटर का आंतरिक मूल्यांकन नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड चेकलिस्ट से किया गया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर द्वारा दिए जा रहे विभिन्न सेवा रिकॉर्ड एवं रजिस्टर, संधारण स्थिति, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग पहचान एवं देखभाल सेवा, परामर्श सेवा, जन आरोग्य समिति का स्थिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस एवं सामुदायिक आधारित विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ओम प्रकाश जागीर एवं ANM प्रमिला कुमारी को गुणवत्तापूर्ण सेवा मानक के अनुरूप हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। समस्तीपुर से CNews संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप CNews भारत।